नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड पर। मैं हूं आशीष तिवारी। जिंदगी में कई बार हमारे सामने मुश्किलें आती हैं, हम उन मुश्किलों से हार मान जाते हैं और फिर अपने सपनों को भी कहीं हम दूर कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में न सिर्फ ईमानदार कोशिशें करते रहते हैं बल्कि निरंतरता के साथ करते रहते हैं और सफलता के मकाम तक पहुंचते हैं। आज की कोशिश हमारी यही है कि ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी आपको बताई जाए जो आपके बहुत करीब है, लेकिन शायद उत्तराखंड में और खासतौर पर देहरादून में रहने वाले लोगों को ये कहानी पता नहीं होगी। आप सभी ने देहरादून में, अगर आप हैं, उत्तराखंड में हैं, तो आपने सुविधा सुपरमार्केट का नाम सुना होगा। सुविधा की कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी है और ये हमको, आपको, हम सबको एक प्रेरणा देती है। और आज हम इसी कहानी को आप तक ले आए हैं कि सुविधा सुपरमार्केट, जो आप कई सारी चेन्स देखते हैं, उसके पीछे शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक छोटी सी दुकान इतने बड़ी चेन ऑफ सुपरमार्केट्स में तब्दील हो गई। और इस पर बातचीत करेंगे हम लोग। सुरेश गुप्ता जी हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की, इसके फाउंडर हैं। और आज हमारे साथ गर्वित गुप्ता भी हैं। गर्वित गुप्ता नई पीढ़ी के सुविधा सुपरमार्केट के वाहक हैं जो इस पूरी चेन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आप दोनों को बुलाने की वजह भी यही है क्योंकि आजकल के दौर में बहुत सारी कहानियां हम देखते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, लोग शुरू करते हैं, बहुत सारे ख्वाब देखते हैं और फिर निरंतरता नहीं रख पाते हैं, टूट जाते हैं और फिर बंद हो जाता है। इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुरेश जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई। पहले अब तो आपकी चेन्स ऑफ सुपरमार्केट्स हैं, कई सारी शॉप्स हैं, मेरे ख्याल से 8-9 शॉप्स हैं अब आपकी, और देहरादून के बाहर भी हैं। जा रहे हैं सर। जा रहे हैं, वाह क्या बात है। मतलब आपने हमें बता दिया हमारे दर्शकों को कि वहां भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। तो ये 8-9 चेन तक आना, शुरुआत कैसे हुई, कितनी मुश्किलें आई, क्या क्या वो दौर था, थोड़ा सा अगर आप रिकॉल कर पाए, क्योंकि हमारे दर्शक समझना चाहेंगे, शायद उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी उससे। हमारे पिता हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करते थे, हमें यही सिखाते थे कि किसी को, ग्राहक को दिक्कत ना हो आपकी वजह से। और उसी लाइन पे हम चल के 84 में मैं बिजनेस में आया देहरादून में ही। हाँ जी। तो वहीं बैठ के पढ़ाई करी, वहीं बैठ के अपने बिजनेस करा और उसमें आगे बढ़ते रहे। तो पहले कैसी दुकान थी, कहाँ थी, कुछ बता पाए आप? पहले हम सहारनपुर चौक पे, जब हमारे फादर पानीपत से आए देहरादून में, तो लाला खेमचंद बाबूराम के नाम से सहारनपुर चौक पर ही एक फर्म थी। अच्छा। जो हमारी पारिवारिक थी, तो वहाँ पे जब परिवार बड़ा हुआ तो व्यवस्था चेंज करनी पड़ी और हमें अलग एक डिसीजन लेना पड़ा। ठीक है। तो एक सहारनपुर चौक पर ही जनता बेकरी के बिल्कुल सामने एक छोटा सा खोखा था पानी पान का, वो हमने किराए पे लिया और वहाँ से उस पर हमने शुरुआत की। तो पहले कैसे करते थे, छोटी सी ऐसी ही, जैसे अब तो बहुत सारी आप ग्रोसरी भी बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी बेचते हैं, तो पहले क्या करते थे? तब इतनी आवश्यकता भी नहीं थी कस्टमर की। सुबह उठना है, उसने पेस्ट करनी है, दिन में उसने खाना खाना है, रात को खाना खाना है, सो जाना है, फिर अगले दिनचर्या पे लग जाना है। आज के दिनचर्या ही चेंज हो गई। आज बच्चे रात को 2 बजे तक जागते हैं, किसी को भी ऑर्डर करते हैं, खाना भी रात को 2 बजे मंगा लेते हैं। उस समय नहीं था, तो आवश्यकता नहीं थी, तो खर्चे भी इतने नहीं थे, तो परिवार चलते थे खुशी से। आज पैसा भी है, आवश्यकताएं बढ़ने की वजह से खर्चे भी लगता है कम हो गए, बढ़ गए। तो मुझे लगता है कि शायद पुराना पैटर्न ही ज़्यादा बेटर था इस मामले में। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि पहले सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी, जैसे पान का खोखा के करीब की दुकान थी, तो उसमें सारी, उस समय जैसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें, दाल है, चावल है, तो इस सारी चीजों को आप करते थे, तो खुद ही करते थे या कैसे करते थे? खुद ही कस्टमर आते थे कि हम खुद ही सामान तोलते थे, क्योंकि काउंटर बंद होता था, कस्टमर की एंट्री अंदर नहीं थी उस समय। अच्छा। तो हम खुद ही सामान तोलते थे
और हम ही पर्चा बनाते थे हाथ से, क्योंकि कैलकुलेटर उस समय ज्यादा, आप अकेले, मैं और मेरे बड़े भाई थे अनिल कुमार गुप्ता, वो साथ दोनों लोगों ने, हाँ जी, तो बाजार जाना तो अनिल भाई सब जाते थे, मैं दुकान पे ही एस्टेब्लिश था, तो टोटल भी अपना आप करना है, सामान भी अपना तोलना है, पुड़िया भी बनानी है, ये सब काम हम लोग करते थे, मतलब खुद ही सारे सामान तोलने, उनकी पुड़िया बनानी, उनको इकट्ठा करना और खुद ही हाथ से हिसाब करना वही हाथ से, वही साइकिल पे रखे आते थे ग्राहक के, क्योंकि ना उस समय स्कूटर थे लोगों के पास भी, ना हमारे पास थे। ये किस दौर की बात है? ये 1984-85 के आसपास की। देहरादून कैसा था उस वक्त? बहुत अच्छा था, खूबसूरत हरियाली थी, अब तो पब्लिक बढ़ गई तो हरियाली गाँव नहीं है। तो फिर कैसे सोचा कि ये दौर तो बहुत अच्छा चल रहा था आपके हिसाब से, आप भी खुश थे, लेकिन फिर कैसे सोचा इसको कि कैसे प्लान किया जाए और बड़े स्तर पे आया जाए? हमारे भाई साहब स्टेट बैंक में थे, तो बाहर से जब आते थे वो बॉम्बे से हैदराबाद से आके हमें बताते थे कि बाहर ऐसा होता है, क्या कुछ तुम सोच सकते हो? अच्छा, मतलब वो आपके कौन से भाई साहब? अनिल भाई साहब गुप्ता, उनसे भी बड़े भाई। अच्छा, उनसे भी बड़े भाई साहब, टोटल छह भाई, छह ब्रदर्स हैं। अच्छा, छह हैं। तो विनोद कुमार गुप्ता थे, अच्छा, स्टेट बैंक में सर्विस करते थे, तो वो आके हमको पूछते थे क्या तुम ऐसा कर सकते हो जो वहाँ हो रहा है। अच्छा, बेंगलोर में शायद ये जो सुपर मार्केट शुरू हुआ है, शायद बेंगलोर से ही हुआ है मुझे जो लगता है, तो हमने देखते हैं, कोशिश करते हैं, हमने कोशिश करने में पीछे नहीं हटे, कभी भी किसी ने कहा ये काम हो सकता है, चाहे ना ही आता हो, दूसरे को कहते थे यार तुम हमें हेल्प करो, हमें हेल्प करते थे, हमारे ग्राहकों ने बहुत हेल्प करी, हमारे व्यापारियों ने बहुत हेल्प की, जिससे हम आज यहाँ पहुँचे। कभी ऐसा लगा कि जब शॉप चल रही है फिर सुपरमार्केट्स में आना कोई रिस्क तो नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ा एक्सपेंडिचर लगता है, और जब आप बड़ी नाव को लेकर समुद्र में उतरते हैं तो खतरे भी बढ़ जाते हैं? कभी नहीं था, रिस्क दिमाग में था, परंतु पीछे हटे नहीं इस मामले में, क्योंकि भाई साहब की बहुत हेल्प मिली, बैंकों ने काफ़ी हेल्प की हमारी, तो फाइनेंस कोई हमें प्रॉब्लम आई नहीं है उसके बाद, तो हम आगे बढ़ते रहे फिर। तो शुरुआत में लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था? जैसा आप बता रहे हैं कि बॉम्बे बेंगलोर का जो कल्चर था, देहरादून, मुझे नहीं पता उस समय का दौर कैसा था देहरादून का, कंजर्वेटिव था, ट्रेडिशनल था, या फिर ओपन माइंडेड था कि पारंपरिक था, या फिर लोग खुलकर इस तरीके के प्रयोगों को स्वीकार कर लेते थे, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा था लोगों का, कुछ याद है उस वक्त का दौर? पहली बार जब हमने लक्ष्मण चौक में एक स्टोर खोला, केसर रोड, मतलब सुपर मार्केट जैसा, अच्छा, सेल्फ सर्विस स्टोर, अच्छा, तो हमने अपने भांजे के कहने पे खोला, अच्छा, परवीन गोयल, अच्छा, वही हमारा सारा, ऐसा क्यों? वो हमारे यहाँ सिस्टम पे थे, अच्छा, तो उन्होंने कहा मामा जी ऐसा ऐसा देख सकते हैं, तो हमने उनको कहा ठीक है कोशिश करो, हमने किसी को भी नागा नहीं किया, जो भी होगा देखे जाएंगे, परंतु कोशिश करने में क्या बिगड़ता है, तो उन्होंने लक्ष्मण चौक में स्टोर खोला, तो जिस दिन ओपनिंग थी मैं 1-2 बजे के बाद, मुझे, मैंने कहा चल दिया चाय पी के आते हैं, तो मैं चले गए, और स्टोर में स्टाफ काम कर रहा था, अच्छा, तो मुझे भी एक सरप्राइज था कि ये कैसे हो सकता है, जो मतलब खुद नहीं बनानी है पुड़िया, खुद नहीं सामान तोलना है, संभाला होता वो हमने दूसरे के सपोर्ट कर दिया, तो आश्चर्य था, फिर धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आया तो अगला स्टोर खोला, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब लक्ष्मण चौक की अगर हम बात करें तो वो जो पहला आपका स्टोर था, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, काफी उम्मीद ही नहीं थी, तो उसके बाद, और तो, सुविधा नाम कैसे पड़ा, कुछ कोई कहानी है क्या इसके पीछे, या फिर ये शायद उस समय ना कोई, हम कहीं पे पढ़ रहे थे तो सुभिक्षा के नाम से एक चेन खुली थी, अच्छा, जो मद्रास साइड की थी, अच्छा अच्छा, उसको पढ़ते पढ़ते वैसे ही मुंह से निकल गया कि सुविधा, जैसे कहते हैं ना सरस्वती मुंह पे बैठती है, तो वो मुंह पे आई और कस्टमर को इजी आई, तब हमने एक स्लोगन निकाला था, 72-1000 घुमाइए सुविधा घर पाइए, क्या बात है, अच्छा फोन नंबर रहा होगा पेंटी का, हमारा 72-1000 फोन नंबर वो आज भी है मेरे पास, अच्छा, वो आज तक हमारे पास है, गजब, वो नंबर हमारे पास आज भी है, काम करता है, यूज कर रहे हैं, और वो नंबर से हमने होम डिलीवरी शुरू की थी, अच्छा, तो मतलब देहरादून में ग्रोसरीज की होम डिलीवरी आपने ही शुरू की, हाँ जी, तो इसका अगर मतलब, हाँ जी, अगर बीच में रोक बताएं, हाँ, तो 2015
5 के रफली में सुविधा होम सर्विस करके कंसेप्ट बनाया गया था। अच्छा। तो उस कंसेप्ट से हमने फिर सुविधा को आगे ड्राइव किया। तो तब जब स्विगी जोमैटो वगैरह इस टाइप के ब्रांड्स नहीं होते थे, तो हमने सुविधा होम सर्विस को बहुत बड़ा किया। तो ऐसे ऐसे टाइम थे जब कोई इंटरनेट पे स्टेटस अपडेट नहीं मिलते थे कि ट्रैकिंग नहीं था, मैप्स नहीं थे, तो लोगों के घर पहुंचते थे, पता लगता पर्सन घर पे नहीं है या जो ऑर्डर करवाया है वो नहीं पहुंच पाया, तो वो कस्टमर केयर कॉलिंग जो आजकल एक ट्रेंडी सब दिक्कतें थी। तो जो चैलेंजेस थे उसके डिस्पाइट हमने बहुत काम किया, मतलब स्पेशली मतलब पापा और ने काम किया, तो पूरी टीम ने लग के बहुत काम किया, सुविधा होम सर्विस को बड़ा किया। तो 3-4 इयर्स तक उसको एक्सटेंड करते रहे, लेकिन उसके बाद में वो स्टोर डालने का हमारा फॉर्मेट रहा जो हमने केशव रोड पे देहरादून में डाला था। अच्छा गर्वित, आप चूंकि बीच में आ गए हमारी बातचीत की, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि अब आप चूंकि एक बहुत बड़ी चेन आपको आपके परिवार ने दे दी है, अब आप उस चेन को संभाल रहे हैं, तो इस चेन को संभालने के लिए क्या आपने कोई खास तैयारी की? मतलब मेरा ये है कि क्या आपने पढ़ाई ऐसी की या शायद MBA किया हो, BBA किया हो, या फिर कैसे इसमें आना हुआ, कोई प्लान था या फिर? तो प्लान बिजनेस में आने का तो हमेशा से था कि बचपन से, क्योंकि घर पे देख रहे थे, एक डिस्कशन ऑन द टेबल हमेशा ही रहता है बिजनेस के अराउंड, पापा लगे ही रहते हैं, हर दिवाली, हर होली, हर फेस्टिवल हम स्टोर पे रहे हैं, हमने खुद सेलिंग किया है, तो कहीं ना कहीं इंस्टिंक्टिवली अंदर था। लेकिन एज अ पढ़ाई एजुकेशन अच्छी रही, तो देहरादून में अच्छे ब्राइटलिन स्कूल से पढ़ाई करी, अच्छे मार्क्स लाए, बाहर गए, फिर मैंने AI AAA बहुत अच्छा क्रैक किया। अच्छा। तो मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नाउ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ। स्ट्रीम क्या थी, इंजीनियरिंग की स्ट्रीम थी? हाँ, इंजीनियरिंग में रहा, बट मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा। अच्छा। तो मेरा रुझान बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी नहीं रहा, कॉलेज में भी जाके मैंने काफी मतलब आपको मैनेजमेंट रिलेटेड काम करे, और मैंने कॉलेज से ही अर्नस्ट एंड यंग करके कंसल्टिंग फर्म है, तो वर्ल्ड की बिग फोर फर्म में से कहलाई जाती है, तो मैंने बिग फोर में कैंपस प्लेसमेंट ली। अच्छा। और फिर मैं ऑडिटिंग कंसल्टिंग में रहा, तो मैं उस टाइम पे 2015 मैंने ज्वाइन किया था EY, तो EY में मैं टेलीकॉम ऑडिटिंग में सेगमेंट में था। अच्छा। और मैं अक्रॉस मतलब इंडिया, गुड़गांव, फिर फिलीपींस में रहा, जोहान्सबर्ग में रहा, साउथ अफ्रीका। तो उस टाइम मैं 2017 में बैक इन इंडिया था फ्रॉम जोहान्सबर्ग स्टिंट, तब पापा से कुछ बातचीत हुई, उसी टाइम GST वाज कमिंग इनटू पिक्चर, कि 1 जुलाई 2017 में GST एप्लीकेबल हो रहा था, तब पापा से कुछ जिक्र हुआ कि ऐसे ऐसे है, एंड दिवाली अक्टूबर के रफली होती है, तो तब मैंने कंपनी में पेपर डाले एंड देहरादून आ गए। तो पापा से जब बातचीत हुई कि हेल्प सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो ये तो कहानी हुई। मतलब देखिए जिंदगी आपको कैसे नए नए राहों पर लेकर आती है। एक शख्स जो इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग के तहत पढ़ाई कर रहा है, फिर वो विदेशों में नौकरी भी कर रहा है, लेकिन फिर वो आता है और सप्लाई चेन की जो है उसकी व्यवस्था को संभालने लगता है। तो गर्वित, अभी आप सुरेश भाई साहब से जैसी बात हुई कि खुद ही वो सामानों को बांधा करते थे, खुद ही तौला करते थे, वो दौर तो अब बीत गया है, अब ऐसी व्यवस्था तो नहीं है, और अब कल्चर आ चुका है कि कस्टमर जाता है खुद ही सुपरमार्केट में और पैक्ड आइटम को वो उठाता है और अपनी बकेट में डालता है, आगे बढ़ जाता है अपनी टोकरी में लेकर। तो ये जो बदलाव है, कल्चर का बदलाव है, ये ट्रांजिशन आपने वो भी देखा, अब आप नई पीढ़ी के हैं और आप उस सुपरमार्केट की चेन को संभाल रहे हैं, तो आपके पास दो चैलेंजेस है मुझे लगता है। एक तो नई पीढ़ी में जो कुछ बदलाव है, जो उसको पसंद है, उसके तहत सुपरमार्केट को डेवलप करना, और दूसरा ये कि जो आपको विरासत में मिली है, जो एक विश्वास दिया गया है विरासत में, उसको बनाए रखना कितना मुश्किल है। चला पा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कतें आ रही हैं? तो सर 2017 में जब मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस, तो वी वर 5 सुपरमार्केट्स, देयर वर सम पार्टनरशिप्स आल्सो। तो एक तरीके से उस दिन 5 थे, एक आधे हमारे प्लस माइनस हुए ड्यू टू पार्टनरशिप रीजंस, लेकिन आज हम करंटली 12 सुपरमार्केट्स में, जैसे शुरू में हम कह रहे थे हम 8 सुपरमार्केट्स में, तो करंटली काउंट हमारा 12 सुपरमार्केट्स हैं, 2 करंटली ओपनिंग फेज में, तो नेक्स्ट मंथ हम, जैसे आपसे जिक्र हो रहा था, तो हम ऋषिकेश नेक्स्ट मंथ ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम वन ऑफ अ गुड फॉर्मेट्स लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद एक देहरादून का बिगेस्ट मॉल जो खुला है, उसमें भी हम मॉल ऑफ देहरादून में अक्टूबर में ओपनिंग प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सब ओके हो चुका है। सो
ये है कि जिम्मेदारी पूरी है और उसको कोशिश कर रहे हैं, तो अब काउंट 14 है, प्रोसेस ओरिएंटेड आज के दिन है। जब मैं 2017 में आया था तो बहुत बेसिक चीज़ें कुछ ना कुछ सिस्टम में फिट इन नहीं थी, मेहनत पूरी थी लेकिन आगे बढ़ते हुए हर चीज़ में डर लगता था। आज के दिन बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता क्योंकि सिस्टम एंड प्रोसेस अपनी प्लेस में है, आज टीम अच्छी है, स्ट्रेंथन कर लिया है कि आपको अब डर नहीं है। डर नहीं, लेकिन मेरा सवाल अभी वही है कि एक ट्रेडिशनल तरीके से जैसा बता रहे हैं सुरेश जी, और अब आप नए, अब तो आप शायद मोबाइल ऐप से ऑर्डर्स ले रहे हैं, तो उसमें जो परंपराएं हैं, जो विश्वास है, उसको बनाए रखना चैलेंजेस होते हैं, तो कैसे प्लान करते हैं आप लोगों को कि भाई जो विश्वास है वो लोगों का बना रहे, हमारे साथ लोग जुड़े रहें, कोई स्ट्रेटजी है या फिर स्ट्रेटजी ऑब्वियसली है। तो बेसिक कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम होती है, कस्टमर रिटेंशन को लेके होती है, कस्टमर का सेल्स रिटर्न को लेके होती है, जनरली क्या होता है मार्केट में जो बड़ी ब्रांड्स होती हैं वो रिटर्न नहीं करेगी या बहुत ज़्यादा कर देती है कि 3 डेज में आप वापस नहीं करेंगे। हम हर चीज़ अलाउ करते हैं, हम ट्रैक कर रहे होते हैं कहीं पर मिसयूज़ ना हो। सिस्टम्स में प्रॉब्लम यही होती है कि आप ज़्यादा एक्सटेंड कर दो तो मिसयूज़ होने लग जाता है कहीं ना कहीं, वो सब चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं और सब चीज़ें अंडर कंट्रोल चल रही हैं। तो कोशिश यही रहती है कि हम कंज्यूमर को जो पापा और जैसे दे पाते थे, एक प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली है जैसे पापा की एक फेस वैल्यू थी, वो फेस वैल्यू तो ऑब्वियसली हम स्टोर्स में रिपीट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं अपने मैनेजर्स को हर चीज़ समझाने का कि कोई भी प्रॉब्लम अगर कस्टमर को आई जिस तरीके से पापा हैंडल करते थे वो हम हैंडल आज भी कर पाए, क्योंकि वो जो इंटरेक्शन होता है जो पुराने दौर में, अगर मैं सही कह रहा हूँ कि भाई जब ग्राहक भले उसकी जो खुशी हो नाराजगी हो सीधे तौर पर आपसे कह सकता था और आप उसको दूर भी करते थे, वो आज के तारीख में भी है, है आज के दिन ये संभाल रहे हैं उसको। कोई कस्टमर प्रॉब्लम होती है विदिन कोई नहीं सुनता था, वो सीधा फोन अनिल जी के पास या मेरे पास अच्छा करते हैं, हम उसका सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए आप, एक सामान्य नागरिक के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि जब कभी इसकी बात होती है सुपरमार्केट्स की, चेन्स की बात होती है, तो एक चीज़ दिमाग में आती है कि जो ट्रेडिशनल व्यापार है, दुकान, एक दुकान का बंदा है जैसे आप खुद पहले थे, उनको ये ख़त्म कर देते हैं। तो अब चूंकि आपने ये पूरा ट्रांजिशन देखा है, मतलब वहाँ से उठकर आप यहाँ आए, ऑब्वियसली आपका आपकी तरक्की है ये, लेकिन आपसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता कि ये ठीक है, इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत है या वाकई में ऐसा होता है। तो क्या छोटे दुकानदार सुपरमार्केट्स की चेन से खत्म होते हैं या कुछ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई सुपरमार्केट तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यदि मोहल्ले में कोई रहता है और बाहर दुकान है तो उसको दुकान से ही फायदा होता है सामान लेके, क्योंकि पड़ोस में है वो उधार भी देते हैं, सुपरमार्केट उधार का काम नहीं करता। फिर बिल्कुल सही बात है, फिर कस्टमर को देखो अपडेट तो होना ही पड़ेगा, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे कुछ भी हो, हर एक को अपडेट होना जरूरी है आज की तारीख में, क्योंकि चेंज होता जा रहा है सब कुछ, खाने पीने का सामान भी, भाई आटा था कभी चक्की का आटा बिकता था, आज की तारीख में पैकिंग वाला आटा बिकता है जी। तो ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं है, कस्टमर उनके लिए भी काफी है और सुपरमार्केट के लिए भी काफी है। बट असॉर्टमेंट, हाँ अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे, बट उसमें बस बेसिकली यही है, उस पर्सन को अपना असॉर्टमेंट अपने हिसाब से रखना है। फॉर एग्जांपल एक सुपरमार्केट में आप आते हैं तो आपको जैसे शैम्पू की लड़ी अभी नहीं मिलती है, वो कंपनी भी नहीं बेचना चाहती और हमारे पास अवेलेबल भी नहीं होती है, लेकिन जो 2 रुपए के पाउचेज हैं, 5 रुपीज सैशेज हैं, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स इन द मार्केट हैं, वो एक किराना स्टोर पे अवेलेबल होता है, वो हमारे लिए नहीं होता। मार्केट डिवाइडेड है, हमारे चैनल कस्टमर का जो कैटेगराइजेशन है वो अलग अलग है, सुपरमार्केट का अलग कस्टमर है और जो सामान्य परचून की दुकान वाला है कस्टमर वो अलग है, और उन दोनों में से कुछ खत्म नहीं हो रहा है, वो दोनों अलग अलग जगह पर अपने चल रहे हैं। बट इन्हें मोस्टली यही है कि जैसे जो किराना की शॉप्स हैं इन्हें भी थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा, वो एक प्रॉपर ओल्ड लाला फॉर्मेट में नहीं चला सकते अपने आप को, उन्हें मतलब अपने आप को रेक्टिफाई करने की नीड है, थोड़ा बहुत सिस्टम्स लगाने की नीड है, समझने की नीड है कि उनके कंज्यूमर को क्या चाहिए। जैसे आजकल अगर फ्लैट सिस्टम बन रहा है तो नियर बाय एक छोटी शॉप भी फ्लैट वाइज अपना प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छा निकाल लेती है, उसे किसी मैनेजर की सैलरी नहीं पे करनी, वो खुद एक मालिक है तो उसको जो भी अर्न कर रहा है वो उसका खुद का है, हमारे साथ वो सारे चैलेंजेस रहते हैं मार्केट में। तो ये सब चीज़ें मिक्स मैच है, ऑब्वियसली असर कुछ ना कुछ मार्केट से है, इंटरनेट भी एक थर्ड दुनिया आ चुकी है, तो पहले तो एक नॉर्मल किराना मार्केट थी, फिर एक सुपरमार्केट फॉर्मेट आया, अब इंटरनेट मार्केट भी है, तो असर है इन चीजों का। मैं एक उसी पे आना चाह रहा था कि
बहुत सारे अब तो ब्रांड्स हैं, चाहे ब्लिंकिट हो, अब तो स्विगी भी है जो इस तरीके की चीजों को ऑर्डर कर रहा है delivery. और अब तो 10 मिनट की डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप दीजिए ऑर्डर, 10 मिनट में आपके यहाँ पहुंच रहा है और right. उसका यूज भी कर रहे हैं. देहरादून की बात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बड़े शहरों में मुंबई हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो, यहाँ पर गुड़गांवा हो, यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप 10 मिनट के अंदर ऑर्डर लीजिए. तो आप गर्वित, मैं ये सवाल आपसे खास तौर पे है क्योंकि सुरेश गुप्ता जी ने अपना काम कर दिया, वो इस चेन को यहाँ तक लेके आ गए, एस्टैब्लिश कर दिया. अब आगे लेके आपको जाना है और मौजूदा दौर में जैसा आपने कहा कि इंटरनेट की जो तीसरी दुनिया है, इसी दुनिया में ये लड़ाई चल रही है कि कौन 10 मिनट से 9.5 मिनट में डिलीवर कर दे रहा है. तो ये एक तो ये लड़ाई है. दूसरी मुझे लगता है कि जैसे स्विगी हो, ब्लिंकिट हो, ये बहुत बड़े ब्रांड हैं, अच्छी फंडिंग है उनके पास, और आप उसकी तुलना में कहाँ अपने को पाते हैं और कैसे कम्पीट करेंगे, कुछ प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है? तो सर बिल्कुल है, वो भी ऑलरेडी हम कर रहे हैं. सो हमने 2019 बिफोर ब्लिंकिट केम इनटू द पिक्चर, हम 2019 से, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका जो सवाल का जवाब है, मेरे सवाल का जो जवाब है वो बहुत सारे लोगों के लिए जो ऐसी सुपरमार्केट से या तो खोलना चाह रहे होंगे या खोल के बैठे होंगे, उनके लिए भी वो इंस्पिरेशनल होगा, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे. तो 2019 ऑनवर्ड्स हमने अपनी ऐप लॉन्च करी थी मार्केट में, हमने तब से होम डिलीवरी चालू करी. इनिशियल टाइम में बहुत ज्यादा नहीं था, देहरादून जैसे एनवायरमेंट में तो बहुत ही कम था, लोगों को ऐसा चाहिए थी सहूलियत बट इतनी एक्सपेक्टेशन उतनी हाई नहीं थी. कोविड ने उसको बहुत बड़ा किया, तो फर्स्ट वेव में हमने बहुत अच्छी डिलीवरीज करी. कोविड 2 तक हमने आपको फिक्स किया, अपने सारे इश्यूज को फिक्स किया, अपने सिस्टम प्रोसेसेस बनाए. अब हम कोविड 2 के बाद से बहुत स्ट्रांग है अपनी डिलीवरी में. जितने हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं हम उसको टाइमली एंड कंज्यूमर हैप्पीनेस को देखते हुए पूरा डिलीवर सफिशिएंटली कर पाते हैं. अब मार्केट में आ गया ब्लिंकिट जो कि 10 मिनट डिलीवरी कर रहा है. 10 मिनट डिलीवरी के अपने प्रोज हैं एंड कॉन्स हैं, जो मेरे पर्सपेक्टिव से या जितना मैं स्टडी करता हूँ उस हिसाब से मुझे समझ में आते हैं. वन ऑफ द चैलेंजेस जो मुझे उनके साथ लगता है, वहाँ पे क्विक बाइंग आइटम ज़्यादा खरीदी जाती है. वहाँ राशन घर का अभी भी लोग नहीं, देहरादून जैसा एनवायरनमेंट तो उतना नहीं पसंद करता कि नहीं प्रॉपर कोर राशन लिया जाए, आटा दाल चावल चीनी, उनके यहाँ लिमिटेशंस भी हैं. अभी भी लोग हैं जो 26 किलो चावल लेते हैं, अभी भी लोग हैं जो 10 किलो और 20 किलो के आटे लेते हैं. तो वहाँ पर वो सब लिमिटेशंस हैं क्योंकि डिलीवरी बॉय की एक लिमिटेशन है उनकी, तो वो 5 किलो से ऊपर डिलीवर नहीं करते हैं. और घरों को होता है कि नहीं बासमती, अगर जो पुराने घर हैं अभी भी, जहाँ पुरानी लेडीज या ओल्ड एज लोग हैं, वो अभी भी कहते हैं कनस्तर में भर के रखो, वही हमें एक सोर्स्ड चावल ही चाहिए थ्रू आउट, पूरे एक साल एक ही मतलब टेस्ट का चावल खाना है. वो चीज़ें कभी वहाँ पे सफिस नहीं हो सकती इन द लॉन्ग टर्म. तो ब्लिंकिट जैसी जगहों में डिलीवरी जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो जनरली क्विक बाइंग आइटम्स, चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, एकदम से इमीडिएटली रात के 11 बजे चाहिए, दुकान बंद है तो ले आए, तो मंगवा लिया. लेकिन जो एक कॉमन प्रोडक्ट है कि एक, और टच एंड फील भी एक मिसिंग है. अगर आप देखें एक फिजिकल दुकान में आप जाते हैं तो टच चाहिए. छोटे से प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जब तक आपको लिपस्टिक नेल पॉलिश के कलर्स नहीं देखेंगे इंटरनेट पे आपकी स्क्रीन में, अगर ब्राइटनेस अप एंड डाउन होगी उसी में कलर चेंज हो जाता है. तो कुछ चीजों में कॉन्ट्रास्ट का फर्क है, बादाम वगैरह में चीजों में कलर शेड्स का फर्क आता है, साइजेस का फर्क आता है. इंटरनेट से सर्टेन बाइंग हो सकती है बट स्टिल मुझे लगता है कि बहुत सारी बाइंग नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है पॉसिबल. थर्ड थिंग इसके अंदर अगर एड ऑन होती है तो जो पीक इंडियन फेस्टिव रश होता है वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि ब्लिंकिट हैंडल कर सकता, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैंडल कर सकता है. क्योंकि अगर मान लीजिए देहरादून की फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन 15-20 लाख लोग हैं, तो 15 लाख लोग एक दिवाली पे अगर ऑर्डर डालेंगे तो ब्लिंकिट कभी नहीं कर सकता डिलीवर. मतलब ये उनके लिए भी चैलेंज है, मतलब इतने लोग कहाँ से लाएंगे कि इतने जनों को डिलीवरी दे पाए. ओके, अच्छा, हाँ, बिल्कुल, वो पॉसिबल ही नहीं है. उनके पास कितने 100 राइडर्स होंगे, 1000 राइडर्स होंगे, वो 5000 राइडर्स नहीं है इतने, वो लिमिटेड ही है. तो और इंडिया की शॉपिंग बाइंग पैटर्न क्या होता है, हम हमेशा देखते हैं धनतेरस से लेके दिवाली की हमारे मार्केट में क्या है. अब इंटरनेट की दुनिया में भी भीड़ है, आज के दिन चांदनी चौक में भी भीड़ है, देहरादून के हनुमान चौक में भी स्टिल भीड़ है. तो कहीं ना कहीं इश्यूज हैं, समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं मार्केट को, हम भी समझ रहे हैं. वो लोग हमसे टच में भी आए हैं एकाधी बार, जैसे हमारी खुद की इन हाउस दालों के लेके उनसे टच में बात हुई. तो इश्यूज हैं फुलफिलमेंट, फिल रेट जिसे मार्केट में वो कहते हैं कि कितना सामान ऑर्डर हुआ, उनके पास क्या अवेलेबल है, ट्रक कहाँ से कहाँ शिप हो रहा है, तो सोर्स्ड कितना अच्छा उनके पास है. उनके भी वेयर हाउसेस की एक लिमिटेशन है साइज की. तो वैरायटी जैसे जैसे बढ़ेगी, वो भी अगर मान लीजिए उनका एक डार्क स्टोर 1000-1500 स्क्वायर फीट का है, तो उसमें वो कितना वैरायटी ऑफ माल को इंक्रीज कर लेंगे. वो भी टारगेट कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, लेकिन मार्केट बहुत बड़ी है. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, एक कॉमन फिनोमेना है लोगों की मन में कि यार ये परचून की दुकान वाला ना ये थोड़ा सस्ता देता है, और सुपरमार्केट में जाओ ना ये तो 1 रुपए महंगे ही देंगे, ये तो पैकिंग के पैसे ले रहे हैं. क्यों भाई साहब, ऐसा है क्या? नहीं, होता है ऐसा, पर
कस्टमर को समझ में आने लगा कि नहीं सुपरमार्केट ही बेटर है, क्योंकि वह क्वालिटी मिल जाती है, वजन पूरा मिलता है, रेट विद टैक्स रेट बिल मिलता है, पक्के बिल से। बल्कि यहाँ के उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यह भी स्कीम निकाली हुई कि आप बिल लाओ इनाम पाओ, उसमें मुझे लगता है देहरादून में सबसे ज्यादा बिल सुविधा सुपरमार्केट के ही हुए हैं। बल्कि हमारे एक जानकार हैं, उनके 6-7 इनाम भी निकल गए, हर बार इनाम निकलता है। क्या बात है। तो अच्छा, एक चूंकि वक्त हो रहा है काफी, तो एक सवाल आपसे चलते चलते कि बहुत सारे दर्शक हमारे देख रहे हैं, इसमें से कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जो कोई ऐसा व्यापार शुरू करना चाहते होंगे, हो सकता है कि उनके मन में कोई और तरीके का व्यापार शुरू करने की इच्छा हो। आपने चूंकि एक लंबा समय दिया, सन 84 से आपने ये शुरुआत की, और पहला सुपरमार्केट कब आया? जो पहला 10 में 2010 में। तो ये एक लंबी चेन और अभी भी चल रही है। तो अब अगर कोई शुरू करना चाह रहा है, तो बहुत लंबा वक्त हो गया है, तो अगर कोई शुरू करना चाह रहा है तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई शुरुआत में तो सफलता किसी को नहीं मिल रही है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ रही है, लेकिन आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे? तो गर्वित बताएगा। गर्वित बताएंगे। गर्वित आप बताइए, आपको चूंकि विरासत में मिले हैं ये सारे टिप्स, तो आप ही बताइए। तो अगर किसी को अभी भी अपना सुपरमार्केट खोलना है, जो कि हमारे पास भी बहुत सुपरमार्केट ना हो, कोई अच्छा, भी व्यवसाय है, सर, उसका आई थिंक स्टडी अच्छी करनी चाहिए, मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। कि मैं अगर सुपरमार्केट फॉर्मेट में एग्जांपल दूं, तो हमारे पास जैसे कभी किसी की क्वेरी आती है, तो फ्रेंचाइजी चाहिए आपकी, ये चाहिए, हमारे बिजनेस में काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो हम नहीं ऑफर करते हैं फ्रेंचाइजी। तो हम काफ़ी बार उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी हो, मान लो फ्लैट सिस्टम्स बहुत सारा बना हो या बसावट अच्छी हो, वहाँ पर आप अपना ग्रॉसरी स्टोर डालिए। आप जब जगह ले रहे हैं, उसका रेंट आप ठीक डिसाइड कीजिए, जगह ठीक डिसाइड कीजिए, लुक एंड फील अच्छा हो, ऐसा ना हो गड्ढे में शॉप बनी हुई है या बहुत हाइट पे बनी हुई है। छोटी छोटी चीज़ें कई बार डिसीजन मेकिंग में लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है। हम देहरादून में लोगों को सबको लगता है, जैसे राजपुर रोड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें खोलना है, लेकिन वहाँ पर हर चीज़ बहुत कॉस्टिंग है, तो हर चीज़ राजपुर रोड नहीं हो सकती। तो आपको रेंट से लेकर आपको अपने P&L प्रॉफिट एंड लॉस को स्टडी करते हुए, और आपको थोड़े से वर्स्ट केस भी लेने चाहिए। लोग अधिकतर गलती क्या करते हैं, मेरे को जितना अनुमान है, लोग जब भी बिजनेस खोलते हैं हमेशा बेस्ट केस पकड़ के चलते हैं कि नहीं इतने कस्टमर तो डेली आएगा ही, इतना करूँगा ही, वो अच्छी बात है, लेकिन आपके से एक फॉल बैक होना चाहिए। आप ऑल इन नहीं हो सकते उस टाइम पे कि आपने सब कुछ गिरवी भी लगा दिया है, दाव पे लगा दिया है, और आप उस टाइम बिल्कुल रिस्क लेके आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर थोड़ा सा ये कंट्रोल्ड बिहेवियर रहे, तो लोग इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं। मतलब रिस्क टेकिंग हो या तो बहुत अच्छी, या उतना स्कोप हो कि अगर फेल हो गए तो वापस जा पाएं। तो ये चीज़ का मिक्स एंड मैच बहुत इंपॉर्टेंट है करते हुए। चलिए गर्वित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कहानी मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी होगी। दरअसल हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि जिंदगी में हमें कहानियों का जो सार है वो बिल्कुल लिखा हुआ मिल जाए, जबकि एक कहानी के पीछे बहुत सारी कहानियाँ छुपी होती हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि उन कहानियों के पीछे जो मैसेज है, जो संदेश है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए। और यही कोशिश थी हमारी इन दोनों लोगों को बुलाने के लिए कि आप ये समझिए कि आप अगर किसी स्टार्टअप की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक रात में सफलता नहीं मिलने वाली है। थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ी निरंतरता बनाए रखिए, ईमानदारी रखिए और लगे रहिए। अपनी तरफ से कोई कसर मत रखिए, लोग आपके पास खुद आएंगे। मुझे, मैं सही हूं अगर तो जी जी, तो यही है शायद इस कहानी का भी मैसेज। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूले। नमस्कार।